गुड मॉर्निंग आयुष। गुड मॉर्निंग तमन्ना। कैसे गुड मॉर्निंग अंशिका। गुड मॉर्निंग मैम। ओके बेटे, टुडे वी स्टार्ट विद द चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है बेटा, आज हम इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर ले रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो पालमपुर एक विलेज ऐसा है जिसमें कि हम एक स्टोरी पढ़ेंगे अबाउट द विलेज ऑफ पालमपुर। एंड इन दिस स्टोरी वी कम टू नो अबाउट पालमपुर में क्या चीज थी। ठीक है, तो जो पालमपुर विलेज था उसकी जो मेन एक्टिविटी थी वो थी फार्मिंग। यानी कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो किसान थे, वो ज्यादातर फार्मिंग करते थे, जबकि जो अन्य लोग थे वो कई अन्य एक्टिविटीज भी करते थे। वहाँ पे छोटी मोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी थी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करना, डेयरी सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन था, देन देयर वाज प्रोडक्शन एक्टिविटीज, अननेचुरल रिसोर्सेस एंड मैनमेड आइटम्स, दोनों चीजें थी वहाँ पर। प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी वो दोनों तरीके से की जाती थी, मैनमेड भी थी और नेचुरल रिसोर्सेज से भी वो एक्टिविटी को करते थे। माई वॉइस इज कमिंग, रेज योर हैंड प्लीज। माई वॉइस इज कमिंग टू योर, रेज योर हैंड। ओके ओके, वी स्टार्ट विद दिस पालमपुर। व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर? पालमपुर की मेन एक्टिविटी क्या है बच्चों? फार्मिंग। व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर? फार्मिंग। फार्मिंग का पालमपुर में फार्मिंग के अलावा और भी एक्टिविटीज होती थी, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, डेयरी का काम होता था, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था। ठीक है, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल था कि ये जो वेरियस एक्टिविटीज होती थी उनको वेरियस तरीके के रिसोर्सेज भी चाहिए होते थे, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज ले लो, चाहे मैनमेड आइटम्स ले लो, ह्यूमन एफर्ट्स ले लो, पैसा चाहिए। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कम्बाइन टू प्रोड्यूस डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। तो अगर हम स्टोरी पढ़ते हैं विलेज की तो हम ये पाएंगे कि जो उत्पादन के साधन थे या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, कैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे पालमपुर के विलेज को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेज योर हैंड। यस मैम। नाउ लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट द विलेज पालमपुर। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जो पालमपुर गांव था वो नेबरिंग गांव, नेबरिंग जो विलेजेस थे, नेबरिंग जो टाउन्स थे उनसे वो जुड़ा हुआ था। राजगंज इज अ बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर फ्रॉम प्रागपुर। और उसका जो नियर निकटवर्ती जो गांव था वो था रायगंज, जो कि बड़ा विलेज था और जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर था। And all weather connect roads connected in the village to Rajgarh. और जितनी भी well connected roads थी पालमपुर, इससे का मतलब क्या हो गया कि पालमपुर और रायगंज ये दोनों आपस में connected थे through the good roads. ठीक है, and further on the nearest small town was Shahpur. और एक और नया छोटा सा गाँव था, दूसरा गाँव था जिसका नाम था Shahpur. Many kind of transports are visible on these roads, starting from bullock carts, tangas, then bogies, the wooden cart by buffaloes, loaded with jaggery, gur and other commodities too. इसके अलावा जो था वहाँ पे बुलक कार्ट्स थी, वहाँ पे टांगा हुआ करते थे, बोगी हुआ करती थी, बफेलो, जो कि बोगी आप जानते हैं कि बोगी का मतलब वुडन कार्ट टाइप का होता है, इसमें कि आगे जो है बैल आगे लगा रहता है, उसमें वो गुड़ जो थे वो ले जाया करते थे, जगड़ी में से गुड़। ठीक है,
और अदर कम्युनिटीज कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स थी वहाँ पे, जीप थी, ट्रैक्टर्स थी एंड ट्रक्स थे। तो क्या बच्चा आप बता सकते हो कि पालमपुर और रायगंज के बीच वेल कनेक्टिविटी थी? यस ठीक मैम। है, यस, देयर वाज अ वेल कनेक्टिविटी। कैन यू नेम द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देयर? व्हाट वर द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देयर अंकित? बुल्ला कार, टांगो, बुलेका, टोंगो, बोगीज मोटरसाइकिल्स, और मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स। यस, वेरी गुड। एंड देयर इट मींस इट शोस दैट देयर वाज अ वेल कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट नेबरिंग विलेजेस ऑफ पालमपुर। लाइक लाइक नेम टू विलेजेस, नेम टू विलेजेस जो उसकी निकटवर्ती थे। रायगंज एंड शाहपुर। यस, रायगंज एंड शाहपुर वर द नेबरिंग विलेजेस ऑफ पालमपुर। दिस विलेज वाज अबाउट 450 फैमिलीज। जो ये पालमपुर था इसमें 450 फैमिलीज थी, बिलोंग टू सेवरल कास्ट। तो वहाँ पे डिफरेंट कास्ट रहा करती थी। वहाँ पे ब्राह्मण्स भी रहते होंगे, वहाँ पे क्षत्रिय या वहाँ पे शूद्र या वैश्य जाति के लोग भी रहते होंगे, या अन्य सब कास्ट भी वहाँ पे रहती होंगी। The 80 upper caste families own the majority of land in the villages. अब यहाँ पे 80 के करीब, यानी कि 450 में से 80 जो है वो अपर कास्ट थी। जैसे कि बच्चों हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि जो अपर कास्ट हुआ करती थी, यानी कि जो अपर स्टेट थे, उनकी पॉपुलेशन केवल 2% थी, है ना, और 98% जो थे वो आम जनता थी वहाँ पे। ऐसे ही विलेज पालमपुर में 450 फैमिलीज थी, और इन 450 फैमिलीज में से जो 80 फैमिलीज थी वो अपर कास्ट की थी। देयर हाउसेस सम ऑफ देम वर क्वाइट लार्ज, और इनके जो ये जो 80 जो फैमिलीज थी इनके जो घर थे वो बहुत बड़े होते थे। देयर हाउसेस सम ऑफ क्वाइट लार्ज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट प्लास्टर्स, और इनके जो हाउसेस होते थे वो ब्रिक्स एंड ईंटों से सीमेंट से बने होते थे। The SC's Tasvalis comprise one third of population lives in one corner of the village. और जो इस गांव में जो SC लोग थे, यानी कि जो शुद्र ट्राइब्स होती थी, जो जो दलित वर्ग था, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो गांव का वन थर्ड थी, और वो गांव के कोने में रहा करते थे। And in much smaller houses of which they are mud and straw. और उनके जो मकान थे वो छोटे हुआ करते थे, और वो मिट्टी और स्ट्रॉ से बने होते थे, ठीक है। Most of the houses have इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अब जो गांव था उसमें जो हाउसेस थे वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन वहां पे ज्यादातर गांव में था। तो कैन एनीबडी टेल मी हाउ मेनी फैमिलीज लिव्ड इन विलेज पालमपुर? 450 एंड हाउ मेनी 80 फैमिलीज बिलोंग्स टू अपर कास्ट? 80 देयर वर देयर हाउस वर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर्स और ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, यानी कि क्योंकि आपको पता है कि उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, और उसलिए उनको वहां पे उन्होंने ट्यूबवेल्स लगाए हुए थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर से चलते थे। एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस भी वहाँ चलते थे। तो यानी कि गाँव में घर भी थे, कुछ घर पक्के थे, कुछ घर कच्चे थे, इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल्स चलते थे, और स्मॉल बिजनेस भी चलते थे। अब पालमपुर में हैज टू प्राइमरी स्कूल्स एंड वन हाई स्कूल। वहाँ पे दो प्राइमरी स्कूल भी थे और एक हाई स्कूल था। इट मींस एजुकेशन फैसिलिटी वाज आल्सो प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। हाउ मेनी प्राइमरी स्कूल्स वर देयर? टू। देयर वर टू प्राइमरी स्कूल्स। एंड हाउ मेनी हाई स्कूल्स वर देयर? वन। वन हाई स्कूल वर देयर। एंड देयर वाज वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन होता था। एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी। तो हाउ मेनी हेल्थ सेंटर वर देयर? वन। वन। एंड हाउ मेनी
डिस्पेंसरीज हो गया वन वन ठीक है बच्चों. तो जो अबव डिस्कशन है ये हमें बताता है कि इट वॉज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ गुड रोड्स ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन स्कूल्स हेल्थ सेंटर्स. कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेज. अगर हम नियर बाय विलेजेस में देखेंगे तो उनकी तुलना में अगर हम अपने देहरादून में भी जाता तो देहरादून में ऊपर पहाड़ों में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, कई कई जगहों पर बिजली नहीं है पहाड़ों के स्कूल में, है ना. कैन एनीबडी टेल मी अबाउट योर विलेज जिनका बहुत इंटीरियर में विलेज हो, तो कोई बता सकता है बच्चों अपने विलेज के बारे में? Nobody can tell about your village. ठीक है, पालमपुर विलेज के बारे में बता दो. What are the facilities about the village पालमपुर? आयुष, आवाज आ रही है ना मेरी? My voice is coming or not? Yes, ma'am. हाँ दृष्टि, तो बताओ बेटा क्या फैसिलिटीज थी पालमपुर में? मैम वहाँ पे मैम लगभग हर चीज की फैसिलिटी थी मैम. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन थे सबके पास, और मैम वहाँ पे स्कूल्स भी थे और हेल्थ फैसिलिटीज भी थी. ओके, एग्रीकल्चर में क्या फैसिलिटीज थी? मैम वहाँ पे मैम फील्ड्स में ट्यूबवेल्स थे. यस, वहाँ पे फील्ड्स में ट्यूबवेल्स थे, रोड की कनेक्टिविटी थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, इरिगेशन फैसिलिटी थी, स्कूल्स थे, हेल्थ सेंटर्स थे. ठीक है, अब कहा जाता है कि जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इट इज एन इमेजिनरी विलेज. एक इमेजिनरी विलेज को एक काल्पनिक गाँव की कल्पना की गई है. वी विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज. अब हम चलते हैं कि गाँव में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या क्या थी. In villages across India, farming is the main production activity. आप किसी भी गांव में चले जाएंगे तो वहां पर जाकर जो किसान है वो क्या करते हैं? किसान ज्यादातर क्या करते हैं? Farming. Farming is the main production activity. The other production activity are as non-farming activities. और कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जिसको कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी कहा जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करना स्मॉल स्केल पर. मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पे कैसे हो सकती है? जैसे कि आटे की चक्की, है ना, जैसे कि बास्केट मेकिंग, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है. ठीक है, ये और ऐसे ही अदर एक्टिविटीज में यहाँ पे और क्या चीजें थी नॉन, उसमें और क्या हो सकता था मैम? शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, वी शुड लुक बोथ एट दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन. तो हम कुछ अब यहाँ चलते हैं बच्चों. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है ना, उत्पादन जो होता है उसका मेन एम क्या होता है? उसका मेन एम होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेस that we want, है ना. जैसे कि for example, if you are sitting at present, you are having your mobiles, आपके हाथों में आपके mobile या आपके हाथों में आपका laptop जरूर होगा. ठीक है, तो this is a one of the product. ये एक product है तो जिसकी हमें जरूरत है. तो production क्या करता है? Production produce the goods and services and what you want. Is it clear? उत्पादन क्या करता है? वस्तुओं का उत्पादन करता है, और जो कि वो वस्तुएं जो उत्पादित होती हैं वो क्या देती हैं? वस्तुएं देती हैं और सेवाएं देती हैं. इज इट क्लियर? यस मैम. तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन? गुड्स एंड सर्विसेज. यस, द मेन ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेज योर हैंड और यू कैन से यस. Yes, ma'am. Okay. अब हम बच्चों जो प्रोडक्शन होता है ना उसके लिए चार चीजों की जरूरत पड़ती है. जो प्रोडक्शन होता है जो कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और वो है क्या चीज है? प्रोडक्शन जो है. हाँ बेटा,
उत्पादन के लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है, वो क्या चीज है? सबसे पहला है लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज फिजिकल कैपिटल, ठीक है, एंड फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल, वी कैन से, ठीक है. हम ह्यूमन कैपिटल. हाँ, सबसे पहले हम लेंगे बच्चों लैंड. तो लैंड जो है वो लैंड के अलावा अदर नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है. तो किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए, किसी भी एरिया में फैक्ट्री को लगाने के लिए हमें लैंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या वाटर. अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम वाटर को हम कैसे उत्पादन का साधन मान लें. बेटा वाटर जो है इट जो वाटर है ना वो हमें कैसे हम कैसे कह सकते हैं. पहली बात तो वाटर नेचुरल रिसोर्स के रूप में भी है, तो जो वाटर है वो कैसे प्रोडक्शन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल वाटर में फिशिंग हो सकती है, ठीक है ना. वाटर से जो लोग हैं फिशिंग करते हैं, और फिशिंग से जो जो भी उनको इकोनॉमी आती है, दैट इज वन ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है. देन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में हमें जंगली जंगल से वुड मिल सकती है, जंगल से लोग हानि को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, शहद प्राप्त कर सकते हैं. तो दीज आर द प्रोडक्शन फॉर फॉरेस्ट. देन मिनरल्स, हमें जो है बहुत सारे जो जो रिसोर्सेज है वो हमें मिनरल्स से भी प्राप्त होते हैं. तो दीज आर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. दीज आर द अदर नेचुरल रिसोर्सेज. तो पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी? लैंड. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके, देन सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. तो जब फैक्ट्री लगाई जाती है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिक्चर देख लो, पिक्चर में जो फैक्ट्री लग गई है, मशीनें हैं, तो लोग उसमें खड़े हुए हैं ना, कुछ काम कर रहे हैं. तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मजदूरों की, लेबर की जरूरत पड़ेगी. हु पीपल हु डू द वर्क. सम प्रोडक्शन रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. और कई जगह तो हमें लेबर्स की भी जरूरत पड़ती है, और कई पर हाईली एजुकेटेड लोगों की भी जरूरत पड़ जाती है, जो कि इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज देखते हैं, वर्क को देखते हैं, ठीक है. अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क. कुछ जो है वो मैनुअल वर्क करेंगे. ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. इस तरह से जो लेबर प्रोडक्शन में, लेबर क्या हो जाता है? लेबर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है. प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा क्या जरूरी होता है? लेबर बहुत ज्यादा जरूरी होता है. व्हाई दिस? सो क्योंकि अगर फैक्ट्री लगा दी गई है तो फैक्ट्री चलेंगी कैसे भाई? तो फैक्ट्री तो इंसान के द्वारा चलेगी ना, लेबर के द्वारा चलेगी, मजदूर के द्वारा चलेगी, या कुछ एजुकेटेड लोग भी फैक्ट्री को लगाने के लिए चाहिए. इज इट क्लियर? थर्ड, सेकेंड वन, सेकेंड क्लियर? ओके, देन थर्ड पे चलते हैं हम. एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज द फिजिकल कैपिटल. जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो क्या है बच्चों? फिजिकल कैपिटल है. अब देखो, लैंड ले लिया है, लैंड पे फैक्ट्री भी लगा दी गई है, तो उस फैक्ट्री में चलाने के लिए कुछ फिजिकल टूल्स भी चाहिएंगे, जैसे कि टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं. तो टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्म प्लॉग. अब जो किसान होता है ना, उसको अपने खेत में काम करने के लिए हल की आवश्यकता होती है, प्लॉगिंग की आवश्यकता होती है, प्लॉग. ऐसे ही अगर आप देखो, फैक्ट्री में हमें कुछ सोफिस्टिकेटेड मशीन चाहिए होती हैं, जैसे जनरेटर है ना, टर्बाइन्स, कंप्यूटर्स, टूल्स, मशीन्स. बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड कॉल्ड द फिक्स कैपिटल. अब जब देखो, फॉर एग्जाम्पल लैंड है, लैंड में फैक्ट्री लग गई, लैंड उस फैक्ट्री में मशीन्स हो गई, उस फैक्ट्री में जनरेटर है, उस फैक्ट्री में कंप्यूटर है, उस फैक्ट्री में मशीन्स हैं, टर्बाइन्स हैं, तो वो क्या हो गई? फिक्स कैपिटल हो गई. फिक्स कैपिटल मतलब उसको हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसको हम कहाँ नहीं ले जा सकते बच्चों? उसको मूव नहीं कर सकते. तो दिस इज कॉल्ड द फिक्स कैपिटल. इज इट क्लियर? व्हाट, गिव द एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपिटल. गिव द एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपिटल. जनरेटर, कंप्यूटर्स, टर्बाइन, यस, टूल्स, बिल्डिंग, यस, तो ये फिक्स हो गई ना. बिल्डिंग को हम कहीं और ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते. तो दीज आर फिक्स कैपिटल. इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? यस मैम. कैपिटल क्या होता है? जिसपे पैसा लगा होता है. कैपिटल क्या होगा? जिसपे पैसा लगा होता है. देन सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल. जो वर्किंग कैपिटल होती है वो फ्लोट होती है, मूवेबल होती है,
जैसे कि रॉ मटेरियल एंड मनी, पैसा। ठीक है, रॉ मटेरियल मूवेबल क्यों है? रॉ मटेरियल इसलिए मूवेबल होता है बच्चों, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो किसान है, जो वो फसल उगाएगा, मान लो वो कॉटन उगा रहा है, प्राइमरी सेक्टर में मान लो किसान क्या उगा रहा है, कॉटन उगा रहा है। अब कॉटन जो है वो क्रॉप में परिवर्तित होगा, तो कॉटन मूव होगा ना, कॉटन खेत में पड़ा पड़ा तो कपड़ा नहीं बन जाएगा ना, वो कहाँ जाएगा, वो सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा और फिर वो क्लोथ में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब रॉ मटेरियल जितना भी है, चाहे वो कॉटन ले लो, चाहे वो आप ये सोच सकते हो कि गेहूं है, वो भी रॉ मटेरियल के रूप में, क्योंकि वो व्हीट में किसमें फ्लोर में परिवर्तित होगा, है ना, या शुगर केन है वो भी चीनी में परिवर्तित हो जाएगी, या मिनरल्स है जैसे कि बड़े बड़े चट्टान है वो सीमेंट में बदल जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल क्या होता है, मूवेबल होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। इज इट क्लियर? ऐसे ही मनी, मनी जो है, मनी भी क्या होता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल होता है। प्रोडक्शन रिक्वायर वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय द वीवर, है ना, जो वीवर होता है उसको धागे की जरूरत पड़ती है, तो धागा कहाँ से बनेगा, कॉटन से बनेगा ना भाई, तो कॉटन क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, क्ले हो गया, मिट्टी हो गई, मिट्टी भी क्या है, रॉ मटेरियल है, और उस मिट्टी से क्या बनेगा, कॉटन बनेंगे, उस मिट्टी से क्या बनेंगे, उस मिट्टी से क्या बनेंगे बेटा, उस मिट्टी से क्या बनेंगे, जल्दी बताओ, उस मिट्टी से क्या बनेंगे, पॉट्स बनेंगे, पॉटर्स बनेंगे, है ना। तो मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक द पेमेंट। अब जो है मनी भी की भी रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट करने के लिए, मनी भी रिक्वायर होता है किस चीज के लिए, पेमेंट करने के लिए। इट मींस व्हाट आर द वर्किंग कैपिटल्स, रॉ मटेरियल एंड मनी। वर्किंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, वर्किंग मटेरियल होते हैं रॉ मटेरियल एंड मनी। इज इट क्लियर? टूल्स मशीन्स बिल्डिंग्स आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यस, इट इज एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इज इट क्लियर? Now there is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor and physical capital to produce an output to use yourself. These three is called human capital. और last में हम कहेंगे कि जो next is human capital. Human capital क्यों है? क्योंकि देखो land है, money है, ठीक है, fixed physical capital है या labor, हमें इन सबको यूज करने के लिए अपना दिमाग, एक बुद्धि, एक क्या चाहिए, मानव का स्किल भी तो चाहिए। तो इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल इज द फोर्थ प्रोडक्ट, इज द फोर्थ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल इज द फोर्थ मीन ऑफ प्रोडक्शन। तो एनीबडी कैन बी टेल मी फोर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के चार साधन कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, कैपिटल एंड लास्ट में ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंट्रीब्यूटिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उत्पादन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती ही है, दैट इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आप क्या बताएंगे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। वेरी गुड तमन्ना, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल आर द फोर मेजर प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? Is it clear, beta? Yes, ma'am. Can you again explain the human capital? हाँ बेटा, human capital का meaning होता है कि suppose me, मैं हूँ, ठीक है, तो मैं एक as a teacher, what I am doing? I am educating few people, so I am one of the human capital. मैं एक ह्यूमन कैपिटल होगी ना, कि मैंने पढ़ा, मैंने एजुकेशन को गेन किया और अब एजुकेशन को पढ़कर मैं दूसरों को दे रही हूँ, तो आई एम प्रोड्यूसिंग द एजुकेशन टू अदर्स। सो व्हाट इज दिस,
अंकित जी क्या हो गया बेटा? ह्यूमन कैपिटल हो गई. तो बाय यूजिंग देयर ओन स्किल, मैन यूज देयर ओन स्किल एंड गिव द हेल्प इन प्रोडक्शन इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल, इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम. यस मैम. ओके, तो मैम लेबर और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है? देखो लेबर तो जो लेबर है ना वो तो क्या काम कर रहा है, वो तो सिर्फ किसका काम कर रहा है, अपनी मशीन का काम कर रहा है, ठीक है ना. या लेकिन जो जो जिस ह्यूमन बीइंग ने जिस फैक्ट्री को लगाया जो उसका ओनर है और अपनी उसमें उसको देखो केवल एक जो लेबर है वो तो उसमें काम कर रहा है, लेकिन जो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा अपने मैनेजमेंट से टाइम मैनेजमेंट लगाकर फिजिकल से अपनी नॉलेज देकर उस प्रोडक्शन को उत्पादित कर रहा है. देखो लैंड का अगर देखो जमीन है वो पड़ी रहती है और मैंने उसको यूज नहीं करता तो क्या होगा, लैंड तो ऐसी पड़ी रहती है ना सालों साल तक. जब तक मैन यूज नहीं करेगा बाय हिज ओन कैपेबिलिटी एंड स्किल तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा ना. ह्यूमन कैपिटल तो तब होगा ना जब वो लैंड का यूज करेगा, लेबर का यूज करता है, फिजिकल कैपिटल का यूज करता है, देन इट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल. क्लियर? अभी नहीं आया? यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज, मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए जब नॉलेज की और एंटरप्राइज की आवश्यकता पड़ती है जिसमें कि लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल सब मिलाकर जब इसका यूज किया जाता है इट इज यूज बाय द ह्यूमन बीइंग्स दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल. इज इट क्लियर? हम लैंड को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते. दैट मींस लैंड कैसे होगी बेटा? लैंड क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल. लैंड इज अ फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है, लैंड इज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर द लाइवलीहुड. तो जो 75% लोग हैं जो पालमपुर में रहते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? फार्मिंग पर. ठीक है, दे कुड फार्मर और द फार्म लेबरर्स आल्सो. वो तो या तो वो किसान भी हो सकते हैं या खेत में करने वाले मजदूर भी हो सकते हैं. दो चीजें होती हैं, एक तो किसान होगा जिसकी अपनी जमीन होगी और एक होगा कि उसकी जमीन पे जो काम कर रहे हैं. तो जो उसकी जमीन पे काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? फार्म लेबरर्स हो जाएंगे, खेतीहर मजदूर हो जाएंगे. दे कुड बी फार्मर्स. ठीक है, एज द वेलबींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फार्म. और इनकी जो जो ये व्यक्ति है चाहे वो किसान हो चाहे वो लेबर हो, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म. जो उसका खेत है उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये लोग. बट रिमेम्बर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग द फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली फिक्स. जो लैंड एरिया है वो प्रैक्टिकली क्या है? फिक्स्ड है. लैंड एरिया क्या है बेटा? लैंड एरिया क्या है? फिक्स्ड. लैंड एरिया क्या है? टोटली क्या है? फिक्स्ड है. क्लियर? और जो 1960 में पालमपुर में देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन लैंड अंडर द एरिया. और वहां पे 1960 में पालमपुर में कोई भी क्या नहीं हुआ है? एक्सपेंशन इस एरिया में नहीं हुआ है. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? By then, some of the waste land in the villages has been converted to cultivate. लेकिन क्या हुआ है कि कुछ जो बंजर जमीन है या जो वेस्ट लैंड पालमपुर में पड़े हुए थे उसको कन्वर्ट कर दिया गया और किसको क्या बना दिया गया? कल्टीवेबल लैंड बना दिया गया. क्या बना दिया गया?
cultivable land bana diya gaya. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under the cultivation. और अब कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी कि स्कोप ही नहीं बचा था कि लैंड को बढ़ाया जा सके. तो जितना उसका एरिया था उतना ही उसका एरिया रहा था. The standard unit of measuring land is hectare. तो लैंड को जो मेजर है वो हेक्टर से किया जाता है. तो इन विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स बीघा में भी होता है ना, गुंथा में भी होता है. 1 हेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद 1 मेजरिंग 100 मीटर. 100 मीटर का एक एरिया जिसको कि हेक्टर बोला जाता है. सो यू कैन कंपेयर द 1 हेक्टर इन योर स्कूल फील्ड ऑल्सो. आजकल तो स्कूल खुले नहीं है तो हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे. यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया? How many villages, how many schools were there in primary schools in Palampur? 2. There were 2 schools, primary schools in Palampur. How many high schools were there? 1. There were 1 high school. Name the nearby villages of Palampur. Raigarh and Sahapur. Raigarh and Sahapur were the nearby places of Palampur. Is the electricity facility was provided in the irrigation? क्या सिंचाई के लिए बिजली का प्रयोग होता था? बताओ बच्चों, क्या सिंचाई के लिए बिजली का प्रयोग होता था? क्या यूज करते थे? ट्यूबवेल्स में. यस, ट्यूबवेल वर यूज. ठीक है. बिसाइड एग्रीकल्चर व्हाट आर द अदर नॉन एक्टिविटीज इन विलेज पालमपुर? एग्रीकल्चर के अलावा विलेज पालमपुर में क्या क्या होता? ट्रांसपोर्ट, डेयरी. यस, डेयरी था, ट्रांसपोर्टेशन था और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी. ठीक है. एन एलिवेट टेल मी 4 मींस ऑफ प्रोडक्शन. What were the 4 means of production? Land, labor, physical capital. And human capital. Yes. Land ka example samjhao mujhe. First requirement land ke alawa other natural resources kya the? Water, forest. Yes. Minerals. Yes. Labor kis tarah ke hote the? जो अपनी मशीन के लिए काम करते हैं. यस, जो मशीनों में काम करते थे. इसके अलावा बेटा एजुकेटेड वर्कर्स भी थे वहां पे, है ना. एजुकेटेड वर्कर्स आर आल्सो इंक्लूडेड द लेबर्स. फिजिकल कैपिटल, हाउ मेनी टाइप ऑफ फिजिकल कैपिटल वर देयर? 2. फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. गिव द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. Tools, machine, buildings. Yes. Tools, machines, buildings are the example of fixed capital. Okay. Anybody can give me example of working capital beside Ankit? Ankit ke alawa. Working capital ka example kya tha? Well, raw material or money. Raw material and money. Very good answer, Tamanna. Working capital ka example tha. How can we, who are the human capital? Human capital kaise bolenge hum? Those who use their knowledge and skill. Those who use their knowledge and skill. How many families lived in village Palampur? 450. And how many upper class people lived in? 80. Family lived in? 80. Okay. Their houses were made up of? Bricks and cement. Okay. Where did the Shurikal live in village Palampur? SC people. Where they lived? Corner of the village. Corner of the village. Okay, how much population they include? 1/3 of population.
Okay, well thought of the. So, can anybody tell me, is the village Palampur was well developed? Yes, ma'am. How it is? How it is, beta? मैम वहाँ पे बहुत मतलब ज्यादा भी नहीं बट कम भी नहीं, वहाँ पे फैसिलिटीज आ गई थी. ओके, फैसिलिटीज क्या थी बेटा? वो वेल कनेक्टेड था अपने नेबर से. यस. और वो एग्रीकल्चर में भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिल चुके थे उन्हें. ओके, और अब उन्होंने स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए थे. यस, वहाँ पे स्कूल भी थे, वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स भी थे, है ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी था. रायगढ़ से पालमपुर के बीच में कितना डिस्टेंस था? रायगंज और पालमपुर के बीच में कितना डिस्टेंस? 3 किलोमीटर. यस, 3 किलोमीटर वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द पालमपुर एंड द रायगंज. रायगंज से आगे जो नियरेस्ट स्मॉल टाउन था वो कौन सा था? शाहपुर. अच्छा, वहाँ पे गुड़ कैसे ले जाया जाता होगा? जबरी को कैसे जाते थे? हाउ द गुड़ वाज ट्रांसपोर्टेड? ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बुलेट कार्ट्स. इट वाज थ्रू द बोगीज बेटा, मेड अप ऑफ वुडन कार्ट बाय बफेलो, जो कि बफेलो खींचती थी, जिसमें कि गुड़ भर के ले जाया जाता था. ठीक है ना? इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. Yes. तो बच्चों जब हम वहाँ पे पता कर रहे हैं तो इसका मतलब विलेज पालमपुर में भी अगर हम आगे पढ़ेंगे तो तीनों सेक्टर्स थे इसका मतलब वहाँ पे. वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर भी था, वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर भी था और वहाँ पे थर्ड सेक्टर भी था. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कि एग्रीकल्चर, लैंड और नेचर होता है, से रिलेटेड होता है. ठीक है? और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. सेकेंडरी सेक्टर में क्या की जाती है? मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. और जो थर्ड सेक्टर होता है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है. जो थर्ड सेक्टर होता है व्हाट इट प्रोवाइड? फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग. यस, फैसिलिटी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. इज इट क्लियर? या बच्चों क्लियर हुआ बच्चों? यस. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड? रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टैंड. रेज योर हैंड. Only yes. You can say yes. अगर आपको अगर आपकी वो facility नहीं है, you can't raise the hand. You can say yes also. How many of you understand? Dipakshi, yes. Have you understood? Yes. Okay. Aditi, you understand chapter just? Aditi. Aditi Bijalwan. Ankit, give me the attendance today. Okay. Ankit. आज की अटेंडेंस मुझे दे देना. इस चैप्टर में इज द विलेज पालमपुर इज अ स्टोरी, इज एन इमेजिनरी विलेज और इट्स इन फैक्चुअल जो फैक्ट में बताई गई है इमेजिनरी है? इमेजिनरी. इट इज एन इमेजिनरी. ओके, व्हाट डू यू मीन प्रोडक्शन? व्हाट डू यू मीन प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा? व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन? प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वी वांट. यस, व्हिच वी वांट. प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वी वांट. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गए जो आज तक पढ़ा है. नेक्स्ट उसमें हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे. और इससे पहले जो आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ है, जो नोट्स दिए हुए हैं, प्लस हमने एक चैप्टर किया था इंडिया साइज एंड लोकेशन, वो पूरा कंप्लीट आपके नोटबुक में होना चाहिए. नोटबुक शुड बी कवर्ड विद इंडेक्स, कंप्लीट इंडेक्स विद सर्टिफिकेट एंड द सिलेबस, एंड योर कॉपी शुड बी कवर्ड विद ग्रीन पेपर. ओके मैम, फ्रांस रिवॉल्यूशन के वही क्वेश्चन थे बस. किसमें बच्चे? किसमें? फ्रांस रिवॉल्यूशन में जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स, वो बुक के पीछे के तो आएंगे नहीं, राइट? तो जो आपको नोट्स हैं उसी में से क्वेश्चंस हैं आपके. इज इट क्लियर? बुक के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, उसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा. मैम क्वेश्चन आंसर की इतनी जरूरत नहीं है ना मैम?
बट यू कैन डू, अगर आपको लगता है जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर द कॉजेस और व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हो ना मैम, मतलब नोट्स होने चाहिए पूरे। यस यस, योर नोट्स टू बी कंप्लीट। ओके यस मैम, क्योंकि बेटा 9th क्लास में आओगे आपके क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, आपके केवल पीछे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बाय बच्चों, मेरी अभी नेक्स्ट क्लास भी है। ओके ओके थैंक यू मैम, बाय मैम, बाय।